ये सैलाब उन आंगनवाड़ी वर्करों का है जो 52 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इनके सब्र का बांध टूट चुका है। तस्वीरें चरखी दादरी की हैं, जहां आंगनवाड़ी वर्करों ने शहर भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला और प्रदेश सरकार का जमकर विरोध किया। इतनी भारी संख्या में जब महिलाएं सड़कों पर निकली तो ये समझिए पांव रखने तक की जगह नहीं थी। जहां से ये भीड़ गुजर रही थी वहां सिर्फ इनकी नारेबाजी थी जिसमें रोष साफ तौर पर झलक रहा था। हमारा भाईचारा हमारे साथ खड़ा है। सरकार ये ना समझे कि केवल 52,000 वोट ही आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के हैं। हमारे साथ 52,000 अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं तो हमारे साथ 52,000 और साथी भी खड़े हैं। हमारे परिवार वाले भी 52,000 हैं। तो देख ले सरकार, आगे जिस प्रकार कांग्रेस सरकार को हमने आने नहीं दिया वैसे ही अगर हमारे खिलाफ ये बीजेपी सरकार दमनकारी नीति अपनाएगी तो आगे के लिए इनका पत्ता साफ करने में हम देर नहीं लगा। 5 राज्यों के चुनाव में पहुँचने की बात की जा रही थी तो क्या अब वहाँ पर पहुँचा जा रहा है? 5 राज्यों में बिल्कुल, वहाँ भी जो रोष प्रदर्शन है बीजेपी के खिलाफ वो जारी है और जो नेता हैं वो वहाँ जा रहे हैं। वैसे ही हमारा जैसे हड़ताल चल रही है तो यहाँ भी जरूरी है, लेकिन जैसे भी साथियों को टाइम मिल रहा है और मैंने वहाँ पहुँच रही हैं। कुछ लोकल मांगे थी क्या आज आपने SDM साहब जब आपसे ज्ञापन लेने पहुंचे हैं तो उनके सामने रखी हैं? बिल्कुल रखी हैं जी। और जो हमारी लोकल मांगे थी उनमें हमारे इंक्रीमेंट का एक मामला था, जिन्हें 10 वर्ष पूरे हो चुके आंगनवाड़ी वर्कर को, उनका आज तक जो 7 महीने का इंक्रीमेंट था 12 डबलों का वो नहीं आया। लेकिन हमने SDM साहब को बोला भी है और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेजरी में आ चुका है और शायद सोमवार मंगलवार तक वो खातों में आ जाए। अपनी मांगों को लेकर मार्च करती हुई आंगनवाड़ी वर्कर लघु सचिवालय पहुंची और वहीं पर SDM डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले काफी दिनों से ये आंदोलन चलाया हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ मांगे रखी हुई है जो कि पेपर के माध्यम से हम बार बार मुख्यमंत्री महोदय को सरकार को भेजते रहते हैं। तो आज भी इन्होंने जो है इसी तरीके से अपनी जो मांगे हैं वेतन बढ़ोतरी को लेकर इत्यादि सभी इसमें लिखी हुई है, तो इनको आज हमने लिया है और इनको आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और आज इसको जो है उचित माध्यम से हम जो है सरकार तक पहुंचा देंगे। सर कुछ लोकल मांगे भी पास BDO कोड की दिक्कत थी तो वो इनको इश्यू हो चुका है, वो एरियर हमने लोकल लेवल की डिमांड अब हमारी पूरी हो चुकी है, वो हमने इश्यू करवा दिया था और जो स्टेट लेवल की मांग है वो हम जो है इनकी मांगों को। बहरहाल SDM ने आंगनवाड़ी वर्करों का ज्ञापन तो ले लिया है और आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन देखना यह है कि 52 दिनों से जारी ये जंग कब तक समाप्त होती है। चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।